मैं शिव शक्ति सिंह वाहिनी माँ दुर्गा हूँ। मैंने भगवान शिव का ध्यान करके जो शक्तियाँ प्राप्त की उससे स्वयं के दुर्गुणों का नाश करके अपने देवत्व को प्राप्त किया। शेर जैसी भयानक परिस्थितियों का भी मैंने रूप बदल दिया। तो प्रिय भक्तों, आप भी भगवान शिव की शक्ति से स्वयं के दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करके खुशनुमा निश्चिंत जीवन बिताएं। मैं ब्रह्मा जी की मानस पुत्री, शिव की संतान, हंसवाहिनी माँ सरस्वती हूँ। मैंने ज्ञान सागर शिव जी से ज्ञान प्राप्त किया और अपने जीवन से अज्ञानता और बुराइयों का अंधकार दूर करके अपने देवत्व को प्राप्त किया। अवगुण रूपी कंकड़ छोड़कर गुण रूपी मोती धारण किए। आप भी ज्ञान सागर शिव जी से ज्ञान का प्रकाश पाकर जीवन को सरल सुगम बनाएं। मैं शिव की पुत्री और सिद्धि विनायक गणेश जी की बहन लक्ष्मी हूँ। मैं धन की देवी कमल आसनधारी हूँ। लोभ लालच के कीचड़ से बचकर धन कमाना और फिर उसे सूझबूझ से स्वयं की आवश्यकता एवं विश्व कल्याण अर्थ लगाने की कला मैंने भगवान शिव जी से प्राप्त की है। हे प्रिय भक्तों, आप भी धनोपार्जन करते हुए अपने स्वास्थ्य, संबंध और चरित्र को संभाल कर रखें, यही मेरा आशीर्वाद है। मैं शिव की शक्ति माँ काली हूँ। मैंने शिव से शक्ति प्राप्त कर मैं के अहंकार का गला काट दिया। दैहिक विकारी संस्कारों पर विजय प्राप्त की, कलंक को मिटा दिया। इसी प्रकार हे परमात्मा की प्रिय संतान, आप भी शिव जी से नाता जोड़कर उनकी अलौकिक शक्ति से कलंक लगने वाले संस्कारों पर विजय प्राप्त करें। ईश्वर के दिल में बस जाएं और अपनी लौकिक सांसारिक संबंधों को शक्तिशाली बनाएं। मैं शिव शक्ति माँ वैष्णव देवी हूँ। जीवन में पवित्रता धारण करने की शक्ति मुझे भगवान शिव जी से प्राप्त हुई है। मेरे विचारों में शुद्धि आ गई है। मेरे बोल में सच्चाई और मधुरता आ गई है। मेरी दृष्टि में पवित्रता आ गई। मेरे अंदर की छिपी दिव्यता को प्राप्त कर मैंने अतिंद्रिय सुख की अनुभूति की। तो हे मेरे प्रिय भक्तों, मेरी यही शुभ भावना है कि आपको भी इस अतिंद्रिय सुख की प्राप्ति हो। मैं भगवान शिव की पुत्री माँ संतोषी हूँ। भगवान शिव ने मुझे संतुष्टता की शक्ति प्रदान की है, जिससे मैं हर व्यक्ति से संतुष्ट रहती हूँ। हर परिस्थिति में धैर्य रखकर उसका निर्भयता से सामना करती हूँ। इस संतुष्टता के गुण से मुझे स्वास्थ्य लाभ मिला, संबंधों में मधुरता आ गई और धन में भी संपन्नता आ गई। आप भी परमपिता शिव जी से योग लगाकर इस महान गुण को प्राप्त करें एवं सुखमय निश्चिंत जीवन का वरदान प्राप्त कर लें। मैं शिव शक्ति माँ गायत्री हूँ। भगवान शिव ने मुझे मेरा
और सृष्टि रंगमंच के प्रत्येक दृश्य, पात्र, प्रकृति परिस्थिति का ज्ञान दिया और जीवन का प्रत्येक दृश्य कल्याणकारी है इसका अनुभव कराया, जिससे मैं हर क्षण प्रसन्नता का अनुभव करने लगी। जीवन से सभी प्रश्न समाप्त हो गए। तो हे प्रिय आत्मन, आप भी शिव जी से योग लगाकर जीवन के हर दृश्य के कल्याणकारी राजों को समझकर हर क्षण प्रसन्नता का वरदान प्राप्त कर ले। शिव शक्ति उमा, मेरे परम पिता शिव परमात्मा ने जब तीनों लोकों के अगम निगम के भेद खोले, जल्द ही आने वाली सतयुगी स्वर्णिम दुनिया का सुंदर दृश्य दिखाया और बताया कि ऐसी दिव्य दुनिया होगी जहां राजा में भी नैतिकता, प्रजा में भी नैतिकता एवं साहूकारों में भी नैतिकता होगी। ऐसी दुनिया के लिए मुझमें भी भगवान शिव ने स्व परिवर्तन की उमंग जगाई। मैंने हर पल स्वयं का गुणों से श्रृंगार किया और अपने संपूर्ण देवत्व को प्राप्त किया। आइए प्रिय भक्तों, आप ही स्व परिवर्तन में लग जाइए तो हर क्षण आपका उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा। ब्रह्मलोक निवासी निराकार परमात्मा शिव धर्म ग्लानी पापाचार के समय धरती पर जिस अनुभवी शरीर में परकाया प्रवेश करते हैं उनको नाम देते हैं ब्रह्मा और उनके माध्यम से स्वर्णिम सृष्टि की स्थापना का कार्य करते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा परमात्मा शिव का सत्य ज्ञान प्राप्त करने वाले ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी कहलाते हैं। सत्य ज्ञान अर्जन से मनसा वाचा कर्मणा का परिवर्तन करा के भगवान हमारा श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हैं और सबको श्रेष्ठ भाग्य निर्माण की प्रेरणा दे रहे हैं। आप भी इस श्रेष्ठ सहज ज्ञान को एक बार अवश्य समझें और अपने जीवन की छिपी हुई दिव्यता सुख शांति की अनुभूति करें। ओम शांति।